हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सुबह की ये दुखद खबर है। कहा जा रहा है 8:35 पर सुबह के ये रेल हादसा हुआ है, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निरजबाड़ी के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये ट्रेन सियालदाह जा रही थी, ट्रेन निरजबाड़ी से पहले खड़ी थी और धीरे गति से भी चल रही थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस, रेलवे अफसर और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। राहत कार्य शुरू हो चुका है और ट्रैक से बोगियों को हटाकर फंसे हुए यात्रियों को अब निकाला जा रहा है। आपने अभी सुना ब्रेक से जाने से पहले कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस तरीके से जब इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई तो इतना बड़ी आवाज़ निकली, इतनी आवाज़ थी कि वो सभी घबरा गए और देखा कि दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो चुकी है। जो ये मालगाड़ी आ रही थी वो भी सेम पटरी पर आ रही थी, इसी वजह से दोनों गाड़ियों के बीच भिड़ंत हुई है। राहत कार्य शुरू कर दिया जा चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि ये हादसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसपी अभिषेक को आपने ब्रेक से जाने से पहले सुना, उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौत की खबर है और 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं। सियालदह के हेल्पलाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी दिखाया जा रहा है। 0332-3508794, 0332-3008, और ये नंबर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये बूथ रिगार्डिंग डिरेलमेंट बताया जा रहा है कि ट्रेन का नंबर क्या था, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। ट्रेन सियालदह जा रही थी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। बंगाल की तरफ से भी एक टीम पहुँच चुकी है घटनास्थल पर, क्योंकि ये जो जहाँ टक्कर हुई है निजबाड़ी के भी, जहाँ ये खड़ी थी ट्रेन, वो बेहद ही सुदूर इलाका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन घटनास्थल पर टीम पहुँच चुकी है और घायलों को अस्पताल पहुँचाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि वह ट्रेन, जब ट्रेन में ये हादसा हुआ तब एक बेहद ज़ोर की आवाज़ आई और दोनों ट्रेनों के बीच में भिड़ंत देखी गई। 8:35 का यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 25 से 30 लोग घायल होने की खबर बताई जा रही है। रेल मंत्री ने बताया है कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और आपको ताज़ा अपडेट हम लगातार दिए रहे हैं। एसपी अभिषेक ने बताया कि हताहत की संख्या बढ़ भी सकती है। और पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन पर बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, बेहद ही भीषण हादसा हुआ है, भयानक हादसा हुआ है। इस पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसा हुआ है। आज की सुबह 8:35 का समय बताया जा रहा है, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर हो गई और मालगाड़ी पीछे से बहुत ही तेज़ गति से आ रही थी, जहाँ कंचनजंगा एक्सप्रेस धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 बोगियाँ पटरी से उलट पलट गई हैं और ये 2 बोगियाँ जनरल कैटेगरी के यात्रियों के लिए थी और इसमें काफ़ी हताहत होने की खबर भी बताई जा रही है और कई घायल बताए जा रहे हैं। एएसपी अभिषेक ने ब्रेक से जाने से पहले ये बताया कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर आ चुकी है, वहीं 25 से 30 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ताज़ा जानकारी क्या है? देखिए भावना, अभी फिलहाल जो स्थिति है कि वहाँ पर बचाव दल जो है SDRF और NDRF की जो टीम है, दोनों संयुक्त रूप से पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी फंसे हुए यात्री हैं उनको बोगियों से जो है बाहर निकाला जाए। हालांकि बोगियों से बाहर निकालने, जब इस तरीके की डिरेलमेंट होती है और टक्कर होता है तो बहुत ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोगिया जो है वो डिरेलमेंट के बाद जो है काफी ज्यादा उनके ऊपर जो है लोड होने की वजह से, और जिस तरीके से पूरा लोहे का पूरा ये बोगी होता है तो उसको काट करके निकालना पड़ता है। स्थिति पर जो है SDRF और NDRF की दोनों टीमें जो है वहां पर काम कर रही है। जो बड़े अधिकारी हैं रेलवे के वो भी पहुंच गए हैं। जो घायल अभी तक जिनको सकुशल निकाला गया है या जिनको चोटें आई हैं उनको जो नजदीक के अस्पताल है वहां पर उनको भेजने की व्यवस्था की गई है। तमाम तरह के, चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, दार्जिलिंग हो, कूचबिहार हो, न्यू जलपाईगुड़ी हो, सियालदह हो, वहां पर जो यात्री जो
जज है उनके परिजनों को उनकी सूचना मिल सके इसके लिए जो है हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है हर अलग